अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। तो सहरी की वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इफ्तार रूटीन। तो इस टाइम काम जारी है और अनमोल भी सलाम कर दिया है। अनमोल और ये पीछे आयशा। आयशा क्या कर रही है? मैं चिकन का रेशा रेशा कर रही हूँ जी। और अनमोल अस्सलाम वालेकुम करो। मोल का गुड़िया हुए। ये मोल की गुड़िया किस किस को पसंद है नीचे कमेंट्स करें। तो यहाँ पर मरियम सिस्टर कर रही हैं फ्रूट्स की कटिंग और यहाँ पर मिक्स हो रहा है क्रीम। क्रीम मिक्स हो रही है यहाँ शुगर पाउडर के साथ। तो काफ़ी दिन हो चुके थे कि हम खट्टी मीठी फ्रूट चाट खा रहे थे, तो आज हमने सोचा क्यों ना आज क्रीमी फ्रूट चाट बनाते हैं। वो वाली क्रीमी फ्रूट चाट जो किचन में डालना की सबसे पहली रेसिपी थी। तो बन रही है यहाँ पर जैसे फर्स्ट रेसिपी थी किचन की दामना की, जो क्रीम में मिक्स करके जो भी ये शुगर पाउडर वगैरह। और देखिए काम बिल्कुल पीछे जारी है। आयशा पीछे चिकन वो कर रही है सैंडविच के लिए ना, जो मायोनीज वाले सैंडविच होते हैं उसके लिए चिकन का रेशा रेशा कर रही है। उसको मायोनीज में डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर जो होता है बॉयल एग डालेंगे, फिर उसका एक सैंडविच तैयार करेंगे। वहाँ पर वो काम जारी है, यहाँ पर बन रही है क्रीमी फ्रूट चाट। आयशा ने काम कर लिया है। अब मैं शटर रेडी करती हूं। इन्होंने अभी कुछ नहीं किया, ये निकम्मी निकली है आज। हमें रोजा लग रहा है। कहाँ लग रहा है? पेट में लग रहा है। ये फ्रूट की कटिंग करते हैं और मैं सैंडविच में मायोनीज ऐड करती हूं और जो ऐड करना हो करती हूं। मैं ब्रांड भी ले आती हूं साथ। हां हां मायोनीज भी ले आओ। आयशा ज्यादा स्ट्रांग है, रोजा नहीं लगता इसको। रोजा नहीं लगता आपको? ब्लैक कपड़ा है ना ऊपर। हां हां बस मायोनीज ले आओ। आयशा को रोजा नहीं लगता, आप दोनों को लगता है? नहीं मुझे रोजा नहीं लगता। हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग भी आपसे करनी चाहिए इसलिए चुप है। अच्छा उंगली वगैरह ना कट जाए इसलिए। मेरी काट भी गई है वैसे भी। मेरा अस्सलाम वालेकुम। लो भी उमर भाई भी आ गए हैं। ये वो जूस कहाँ आ गई? ये क्रीमी चाट। अच्छा ये क्रीमी चाट है। ये क्योंकि ये किचन की दामना को आयशा संभालती है बर्तन वगैरह। अभी पाया तो कुछ डालना है कॉकटेल। अंगूर भी डाल देते हैं। ये ले मां मैं पानी डालती हूं। राम राम से मिक्स करना है। तो हम कुछ दिन से आपको कह रहे थे कि मरियम सिस्टर मेहमान है तो काम नहीं करवाना। हम कह रहे थे जान के। भाई इन्होंने कहा था कि चार दिन के बाद मेहमान खत्म हो जाता है। चार दिन के बाद मेहमान वैसे भी चाट नहीं बनाती हूं। हां सभी को चाट बनाने का शौक है इसलिए बनाती हूं। और पकौड़े मुंह को भी बनाती हूं। मां का काम मैं तो भी बनने नाम ये करती हूं क्योंकि इनको गर्मी लगती है। सीधी सी बात है, मुश्किल काम नहीं करना है ना। ये मुश्किल ज़्यादा काम है उनके। नहीं ठीक है ठीक है। तो ये देखिए जबरदस्त किस्म की चाट रेडी है, क्रीमी फ्रूट चाट। अब इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे क्योंकि अभी रोजा खुलने में तकरीबन 2.5 घंटे बाकी हैं, तो बाकी चीज़ों की तैयारी भी करनी है हमने। तो इसलिए सबसे पहले हमने फ्रूट चाट को, क्रीमी फ्रूट चाट को रेडी किया है और इसके बाद दही बूंदी जो होती है उसको रेडी करेंगे इसी तरह ना, उसको भी कवर करके रख देंगे। ये दोनों चीज़ें भी ठंडी होंगी और फिर पकोड़े, समोसे, वो लास्ट टाइम होगा समोसे रोल, हाँ वो लास्ट में फ्राई होंगे, बनेंगे तो पहले ना। हाँ ठीक। मेरे ख्याल से इफ्तारी का काम ईजी है सहरी से, क्योंकि सहरी में परांठे बहुत मुश्किल काम है। नहीं दाल, 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 दाल,
लेकिन इजी है ना, बच्चे भी फ्राई, आम बंदा भी फ्राई कर सकता है। मेरी बात में मुश्किल की बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जाओ जाओ रखो, शरबत भी बन गया। थोड़ा सब चेक कर ले, ठीक है? कैसे चेक करें, क्या हो गया? अभी तो खा नहीं सकता। ओए ओए ओए, ये क्या? ओए तो मैं आपको एक अनमोल की बात बताता हूँ, बहुत प्यारी, कि जब रोजा खुलने वाला होता है ना, तो क्या कहती है अनमोल, क्या कहती हो आप? क्या रोजा खोले, आए आए रोजा खोले। पहले हमें याद करवाती है रोजा खुलने वाला है, तैयारी कर लो। तो ये सैंडविच के लिए मटेरियल रेडी हो रहा है, मायोनीज जा रहा है इसमें, बॉयल एग है, बॉयल चिकन है, श्रेडेड किया हुआ जो आयशा ने रेडी किया है, इसी तरह ना जी। इसी तरह क्या मोल? रोजा खोल रहे हैं, रोजा अभी टाइम है काफी। आप रोजा रखोगे बड़े होके? कब रखोगे? सुबह रखोगे? राती तो रोजा, चीरी रोजा, चीरी रोजा रखना, चीरी रोजा। अन्ना अन्ना परांठा खाती हो सुबह सुबह? रखती हो ना रोजा जी? शाबाश। कुछ लोग ऐसे लगा लेते हैं, मैं कटिंग करके लगाती हूं। हां ये इनका तरीका है, हां ये इजी रहता है, मुश्किल होता है। हां ओए ना मोल ना, रोजा खोलना है, रोजा खोलना है, बाप खाएंगे, ठीक है? ओके ओके बोलो, ओके। आयशा बहुत चुप चुप है आज, हैं? रोजा है इसलिए, अच्छी बात है, रोजा में ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, समझदार आयशा वैसे। आयशा इधर देखो, बताओ ना, अच्छी बात है नहीं ना बोलना चाहिए रोजे में ज्यादा? अगर हिम्मत है तो बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो फिर इसका मतलब आपको रोजा लग रहा है? मुझे तो नहीं रोजा लग रहा, तो फिर वैसे ही मैं बोलना नहीं चाहती। वो तो फिर भी बोल रही हैं, वो बोले उनको टाइम नहीं मिलता ना बोलने का, इसलिए आज बेचारियां बोल रही हैं, क्योंकि आयशा किसी को बोलने नहीं देती, तो इसलिए मैंने कहा आज अब से आयशा हमेशा चुप रहेगी, सिर्फ अपने चैनल में बोले करेगी। आयशा नाराज हो गई है, रोजे में नाराजगी नहीं रखते? आज तो मरीम सिस्टर से बहुत काम लिया जा रहा है, मुझे लगता है एक और पकड़ लो ना, उससे भी करते जो आप काम मेरे है। अच्छा आगे वो पकोड़े, पकोड़े जो फ्राई चीजें, वो मेरा काम, समोसे रोल, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। आयशा तो मुझे लगता है बस अपने ही बना रही है कुछ। आयशा सब कुछ फ्रिज में रखने गई ऊपर। नहीं नहीं वो तो रखने गई है, अभी बात कर रहा हूँ, पीछे वहाँ खड़े हो गए। वो आपको मेरे चैनल में पता चलेगा आयशा क्या इस तारी करती है, ऐसे करिए तो मैं बता दूंगी, आप लोग वीडियो ही देखोगे जाके मेरी, और कहोगे एक सेम ही सब जगह पे हो रहा है, जैसे मैंने सोचा है कि जो मेरी तारी है ना वो मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, और मेरी भी, ठीक है, मैं डेली दिखाती हूं स्टोरी में। हां तो मरियम से सर की डाल रही है, कुछ हेल्प कर दिया है हमारी, करने नहीं आया, मैं बताने आया कि लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मरियम जो है मैरिड है। जी हाँ वो मैरिड ही है, तो उनके जो हस्बैंड है उनकी दबंग एंट्री होगी इनके चैनल पे, बहुत जल्द बहुत जल्द उनके चैनल में सब आएंगे, आयशा को छोड़ के। ओ आयशा जो है ना, वो आयशा जेलस हो गई है ना, उसको पता है वो ज्यादा फेमस है। तो हम सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहे हैं, रियल में नहीं कर रहे, ठीक है ना मैं? हाँ सही बात, वो चैनल उनका तो बनना ही बनना, नहीं चैनल तो बनना है, लेकिन आयशा ऐसी नहीं है, आयशा बहुत ज़ूम करती है मरियम से, इसके साथ डिसेंट है, ये तो मैंने सोचा नो मुझे दूर रहना चाहिए, मेरे फेवरेट चैनल सिर्फ है लाइफ इज बिलाल, लाइफ इज जुबैर, अब ये तो रास्ते
आशा सिर्फ अमीर लोगों को पसंद करती है बेचारी है। सही बात है, अच्छी सही बात की है मैं जिसने अमीर लोगों को पसंद करती है। ज्यादा मैं भी अमीर हूं। नहीं सारी बात छोड़ो, मैं भी अमीर हूं। मुझे वो बंदा पसंद होता है जो दिल का अमीर होता है। दूसरे अमीर लोग मुझे पसंद नहीं होते। दिल का अमीर होना सबसे पहले जरूरी होता है। दिल का अमीर क्या पता है? जिसका दिल बड़ा हो, जो दूसरों का सोचे, जो दूसरों की केयर करे और दूसरों का सोचे अपने से पहले भी वो लोग अच्छे लगते हैं। नहीं अगर ऐसी बात होती है, मैं तो अमीर नहीं हूँ, मुझे को पसंद करती है। मैं तो बेचारा गरीब बंदा हूँ। आमना बचपन में इतनी गरीब थी, तो से पसंद करती हूँ। नहीं अब मैं भी अमीर हूँ, मैं तो गरीब हूँ ना। सारे अमीर हैं। अभी तो आयशा का रोजा लग रहा था, कसम खाई अभी बोल नहीं रही थी। चुप थी बड़े टाइम से, मैंने बचा के रखा था उसने बोलना। आपके साथ बात क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ और सिर्फ मजाक करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आयशा ऐसी है। और खुशी की जरूरत नहीं है कि मैरिज में बेइज्जती करते हैं, कोई बेइज्जती नहीं करते। और आप लोग खुशी मना रहे, अच्छा हुआ आज आयशा की बेइज्जती हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मजाक और कुछ भी नहीं। आयशा चिढ़ती है ना, इसलिए हम इसको छेड़ते हैं। तो सैंडविचेस रेडी हैं, तो इसको रख देंगे, आयशा जाके टेबल पर रखाएगी। और पकौड़े और समोसे और साथ रोज को फ्राई। नहीं सबसे पहले दही बूंदी बनाएंगे। सबसे पहले मॉल को फीडर बनाना, उसको भूख लगी है। चलो अभी मॉल, अरे मॉल का रोजा खोलने लगा, चिड़ी रोजा आ जा। तो वेलकम बैक, तो वापस आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर अब तैयारी है इन चीजों की। वैसे आमना ने आपको बनाना सिखाई होंगे समोसा और रोल्स मुख्तलिफ किस्म के, पर हमने ट्राई किए बाजार के, क्योंकि हम निकम्मे हैं, हमें नहीं आता। इनको बनाना ही नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, आमना थी तो वो रोजाना फ्रेश रोल और समोसे बनाती थी। इन कमो से बनते ही नहीं आशा। दो दफा बनाए हैं, लेकिन डेली नहीं बना सकते हैं, ये थक जाते हैं। डेली खाता भी कोई नहीं। लेकिन आमना डेली बनाती थी, देख लें। रोल बट्टी आपने एक समय की वीडियो देखी होगी, साल पहले दो साल पहले। रोल बट्टी मतलब बना के रख लेनी, हमने फिर उसको जब भी यूज करना, अफ्तारी में निकालना, उसमें फिलिंग करनी और पका लेना, फ्राई कर लेना। फ्राई करना नहीं, वैसे उसने अभी वीडियो शूट किया वो आएगा बहुत जल्द, उसमें रोल्स बनाए हैं उसने। दही भले दही बूंदी दही बूंदी में ऐड करना। लोग ये जो हमारे घर वाले ना, दही बूंदी को दही भल्ले कहते हैं। तो बहुत है वो लोहड़ी, मैं बताता हूँ आपको, लोहड़ी दही भल्ले कहते हैं। दही भल्ले कहते हैं चाहे, हाँ लोहड़ी पंजाबी में कहते हैं दही भल्ले। लेकिन रेल में जो भल्ला होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, टिक्की सी बनी होती है। लेकिन लोहड़ी जो पकौड़ी होती है, बूंदी होती है, सबको दही भल्ले कहते हैं। भाभी ने बनाया मसाला। अगर आपने अभी तक रेसिपी नहीं देखी तो सर्च करें चाट मसाला बाय किचन की दामना, तो आपको मिल जाएगी। बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी आई है, आप बाजार का चाट मसाला भूल जाएंगे अगर इसको बनाएंगे। जो हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, जो लाल भाई डेली खाते हैं शौक। हाँ। से पकौड़े डाल दो, टाइम होने वाला है, बस पकौड़े एंड में करेंगे। तो अब हम फ्राई करने लगे हैं समोसे और रोल। तो समोसे और रोल फ्राई करने से पहले मैं आप लोगों को सबको टिप देता हूँ,
कि जो ऑयल होता है ना आपने उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोगों के जो समोसे और रोल होते हैं ना वो नरम पड़ जाते हैं, उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रोल और समोसे क्रिस्पी बने, बिल्कुल ठंडे भी हो जाएं फिर भी क्रिस्पी रहें, तो आपका जो ऑयल है ना फ्राई करने से पहले बिल्कुल बहुत कम नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ताकि वो आराम आराम से लो फ्लेम पर पकें और वो उसके उसमें बबल्स ना पैदा हों। अगर बबल्स बनेंगे तो वो नरम हो जाएंगे। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे, डाल दो इसमें, ये देखें एकदम से बबल्स नहीं बन रहे, इतना गर्म होना चाहिए आपका ऑयल, देखा ये इजीली बन जाते हैं। अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि मरियम सिस्टर जो है ना ठंडी चीज़ों का काम करेगी, ये तो गर्म भी कर रही हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे समोसे हैं, प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने कहा मैं फ्राई कर लेती हूं, पापा को लग रहा है। मेन काम ये है जो मैंने करना है, बस हो गए हैं, माशाल्लाह से समोसे रेडी हो चुके हैं, छोटे छोटे समोसे, समोसियां हैं ये, समोसियां मिनी समोसे, समोसे। अब ये ऑयल फ्लेम को लो कर दो, वो बबल्स बन जाएंगे, बहुत लो करो क्योंकि अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है ऑयल, बहुत बहुत बस सही है, ठीक है। अभी चलो तो पीछे आयशा को देखिए, वो कुछ कर रही है अपने लिए, तो वो आपको अपनी वीडियो में बताएगी आयशा मोमिना चैनल पर। तो कुछ खास है हाँ, तो क्योंकि इनकी इफ्तारी कुछ खास है, आप लाजमी देखें। तो वो पीछे बन रहा है जो बन रहा है वो आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन मेरा इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी वीडियो में बनाऊंगी जो मैं खाने का शौक है, मुझे पसंद है। हाँ, जो इनको पसंद है भाभी को, वो अपनी वीडियो में बना के आपको दिखाएंगी कि इनको क्या पसंद है अफ्तारी में। पसंद पसंद बहुत ज्यादा, अनमोल कहाँ चले गई, अनमोल को पकड़ के लाओ, भाई नहीं जाते, आ जाओ वापिस आओ। ओए क्या हुआ आपको, ये क्या, ये क्या? तो ये समोसियाँ हैं और ये रोल है, ये रेडी हैं, ये मिनी चिकन समोसा है और मिनी, तो बात वही है ना, मिनी चीज़ को पंजाबी में समोसियाँ कहेंगे, समोसियाँ रोलियाँ रोलियाँ। तो ये समोसियाँ रोलियाँ हैं, तो पकौड़ियाँ बनाओ फिर, पकौड़े जरूर बनाने हैं, पकौड़े हम बनाते हैं हाथ से, हाथ से बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। देख ले अनमोल को गुस्सा चढ़ा है, मेरी मम्मा की जूती को पहनी हुई है, बोले गुस्सा कैसे करना आपने, मैं भूख नहीं कर जाए, अपने घर जाओ, कहती हाँ जाओ मैं, चलो ठीक है, बाय 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 बाय, कहती जाओ जाओ, छोटी सी बच्ची देखेंगे कर रही है, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आ गई उसका मतलब कहने का है कि मैं साथ जाऊं बाहर, इसलिए जा रही है। तो पकोड़े रेडी हैं, तो अब हम इन्हें निकालेंगे, जबरदस्त किस्म के क्रिस्पी पकोड़े। तो अम्मी भी आ चुकी हैं, मैंने तो नीचे खाना बना लिया, आप लोगों ने ये बना लिया, ज्यादा भी पकोड़े बनाएंगे हम, खाते नहीं है आप, रोज से पहले खा रही हो आप, गंदे बच्चे हो हैं, गंदे बच्चे हो आप, हैं गंदे बच्चे हो, क्या कह रही है, दादू कह रही पोटियां ला देंगी, ज्यादा खजूरें ना खाओ। तो यहाँ पर अम्मी ने पकाए हैं कोफ्ते और अंडे, मेरी फेवरेट डिश, और साथ चावल भी, देखे खिले खिले जबरदस्त किस्म के चावल पकाए हैं अम्मी ने। अली भाई का रोजा रास्ते में खुल जाता है, दूर हाँ, दूर से आते हैं वो, एक घंटा 10 मिनट लेते हैं, 10 मिनट रश में लग जाता है, वैसे एक घंटा लगता है। तो अब मेरी बारी, मैं खा लेता हूँ। अच्छा जी, वैसे भी जो वीडियो शूट करता हूँ उसको लास्ट में मिलता है टाइम खाने का, ये फ्राई में बना हुआ है, वो फ्राई है। अच्छा फ्राई है, ये मजे के हैं,
नहीं मैं ये भी खाऊंगा देखूंगा नहीं मैं भी देखूंगा खाया तो अभी आपने नहीं खाया तो बनाया क्यों फिर दे दो आशा होने लग पेगी मुझे समोसा ये समोसी ये कैसे बनी है तो इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड तो अब इफ्तारी हमने कर ली है अब नमाज पढ़ेंगे मगरिब की तो मुझे इजाज़त दीजिए दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़।